नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर में आज ओबीसी महासभा की एक बहुत बड़ी सभा हुई है, जिसमें प्रीतम लोधी समेत कई अन्य लोग इसमें शामिल हुए थे। भीम आर्मी, इसके अलावा जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जया ठाकुर जी, महिला कांग्रेस नेत्री हैं। मैं उनसे सीधे बात करता हूँ, सागर आई हुई हैं। मैम, स्वागत है सागर टीवी न्यूज पर आपका। आज ओबीसी महासभा के बैनर तले एक बड़ी आम सभा हुई है, आपने भी उसमें शिरकत की, आपने संबोधित किया, क्या संदेश देने की कोशिश है? जी, हमारी यही संदेश है और यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं उनको रोकना चाहिए, और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो प्रॉपर तरीके से उसकी FIR दर्ज हो और सही तरीके से जाँच हो और जो केस चले वो फास्ट ट्रैक में चले, ताकि जल्द से जल्द उन्हें फांसी हो सके और फांसी सुनिश्चित हो। क्योंकि कई बार अपराधी छूट जाता है या केस सही धाराओं में दर्ज नहीं हो पाता है, तो इसमें पुलिस को इस चीज़ की संवेदनशीलता को समझना चाहिए, कितना सेंसिटिव इशू है, और सही तरीके से उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर हिम्मत करके माता पिता पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, क्योंकि कई घटनाएं ये सामने आ नहीं पाती हैं, ये जो भी आंकड़े आते हैं या जो भी चीज़ें सामने आती हैं, आप ये समझिए कि जो समाज में हो रहा है उसका 1 या 2% होता है। तो एटलीस्ट जो लोग सामने आए हैं उन्हें सही तरीके से न्याय मिलता है और जल्द मिलता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी लोगों का और मनोबल बढ़ेगा कि वो भी चीज़ें सामने ला पाएँ। और अगर अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से ये डर भी पैदा होगा समाज में कि अगर हम इस तरीके से कोई भी घटना को अंजाम देते हैं तो हमें फांसी होगी। और हम सरकार से, हमने ये मांग रखी है कि जो निर्भया फंड है उसके तहत उस बच्ची के लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाए और उसकी शिक्षा दीक्षा और नौकरी की जिम्मेदारी सरकार की हो। मैम, जैसा आप बता रहे हैं कार्रवाई की मांग, लेकिन कार्रवाई तो उस मामले में हुई है, बंडा वाले मामले जी, में, मैं आपको और बताना, आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। मैं बताना चाहूंगी कि जो कार्रवाई हुई है उसकी धाराएं सही नहीं है। बच्ची का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद रेप किया गया, जबकि जो धाराएं उसमें मेंशन की गई हैं पुलिस के द्वारा, उसमें मोलेस्टेशन का केस, मोलेस्टेशन एंड रेप वो था डिफरेंट थिंग। आप इस चीज़ को समझना होगा कि दोनों की जब सजा होगी तो अलग होगी, तो सही धाराओं में उनकी नहीं हो पाई और 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं हुई है। बाद में बहुत रिक्वेस्ट और बहुत जब लगा कि नहीं दर्ज करनी पड़ेगी, तब रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके विरोध में जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आए उन पे लाठी चार्ज हुआ। तो मैं ये पूछना चाहूँगी सरकार से कि जब शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और सिर्फ किस लिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि उसकी जो है सुनवाई हो सके, पुलिस इसमें सही तरीके से काम करे, तो उस पे लाठी चार्ज हुआ। आपने आरोपी पे क्यों नहीं लाठी चार्ज किया, आपको किस पे करना चाहिए था? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस सरकार में किस तरीके से जो है तानाशाही चल रही है लोगों की, किस तरीके से लोग मनमर्जी के हो गए हैं, एक जो गुंडे टाइप के असामाजिक तत्व हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा और संरक्षण मिला हुआ है कि वो कुछ भी करेंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं चाहूँगी सरकार इसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इन तरीके की चीज़ों को रोक लगाए, क्योंकि आपको जो वोट देते हैं वो 50% लोग महिलाएं होती हैं, और मैं चाहूँगी कि महिलाओं को सुरक्षित और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो सके। मैम, सागर जिले के सुर्खी है, सुर्खी थाना क्षेत्र में एक लोधी जो है उन्होंने एक अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुष्कर्म चाहे कोई भी करे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो अपराधी होता है। चाहे वो चाचा, भतीजा, मामा, ताऊ या ब्राह्मण या कुर्मी या शर्मा कोई भी हो, आप उसको उन चीज़ों में सेग्रीगेट ना करें। अगर किसी का भी रेप किया गया है और इस टाइप के संबंध बनाए हुए हैं किसी ने फोर्सफुली, तो वो रेप की ही श्रेणी में आएगा और उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो किसी आम व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। उसको प्लीज़ सेग्रीगेट ना करें। मैं सभी से कहना चाहूँगी इसको जाति में, धर्म में, रिश्तों में ना बांटें, अपराधी और अपराध दोनों को अलग रहने दें। दोनों अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर वो चाचा आप जैसे बता रहे हैं, तो अगर वो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से वो तो अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर चुका है, तो निश्चित रूप से ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। मैम, थोड़ा बात कर लेते हैं अपनी, बीते दिनों आपने बागेश्वर खान की जो महज है उनको लेकर इसका बयान दिया था कि उन्हें ब्याज गद्दी पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जी, क्या कहेंगी आप? जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे इस तरीके के जो स्थल होते हैं वो बहुत ही पूजनीय होते हैं और उसमें एक औरा होता है। अगर वहाँ से आप अपशब्द बोलेंगे तो उसकी गरिमा पे ठेस है। उस
जो पद का है उसका अपमान है। अगर वहाँ से आप किसी को भी गाली गलौज करेंगे या आप जितने लोग आपको सुन रहे हैं अगर आप उनसे कह रहे हैं कि आप जाके उनको ये करिए वो करिए या किसी भी तरीके का उनको हिंसा करने का आदेश दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे जितने भी समाज में साधु संत कहते हैं अपने आप के लिए, अगर आप किसी को हिंसा करने के लिए कह रहे हैं तो पहले तो प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि आप वास्तव में साधु हैं, क्योंकि साधु किसी को हिंसा करने के लिए नहीं कहता। और अगर इतनी बड़ी तादाद में आपको लोग सुनने आ रहे हैं और अगर एक किसी साइको ने ऐसा कुछ कर दिया तो जिसकी मौत होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम जिंदगी वो वापस ला सकते हैं? तो मुझे लगता है इन चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। और जब हम किसी पद पे होते हैं, जब आपके फॉलोवर होते हैं, तो आपकी एक एक शब्द की वैल्यू होती है, तो उस चीज़ को गंभीरता से समझना चाहिए। और मैं पब्लिक से भी कहना चाहूँगी, जितना हो सके अपनी समस्याओं का हल खुद निकालें, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपना काम स्वयं करेंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काम करेंगे, बाहर निकल के रोजगार ढूंढेंगे, तो समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाना है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। मैम, प्रीतम लोधी ने जो पिछले दोनों बयान दिया था उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं आप उसे? जी, उन्होंने आवेश में आके जो कह दिया, एक किसी कास्ट को टारगेट कर दिया, मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जिस भावना के साथ कहा वो ठीक थी, लेकिन किसी को सेग्रीगेट करना उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि वो बयान थोड़ा सा गड़बड़ है और मैं उसका समर्थन नहीं करती। मैम, इस पे आ जाते हैं, सागर का जो लाखा बंजारा झील है उसको लेकर आपने काफ़ी ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, अतिक्रमण की मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जी। उसको लेकर आपने कई सारी चीज़ें आज आप पत्रकारों से भी मुखातिब हुई थी, तो क्या बात रखी है? जी, मैंने बात रखी है कि उस पर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और जितना भी उसमें केमिकल वेस्ट हॉस्टल और जो भी ड्रेनेज उसमें डाला जाता है, गंदी नालियों का पानी जाके तालाब में डाला जा रहा है, उस पर रोक लगे ताकि उसे हम मेंटेन कर सकें। और मैंने इसकी पिटीशन में भी ये मेंशन किया था कि इसमें काफ़ी सारा ड्रेनेज डाला जा रहा है, उस पर रोक लगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है वो कई सारी बीमारियों को अपने आप में ही लिए होता है अगर वो उसे डायरेक्ट डिस्पोज करते हैं। बल्कि बीच में तो मैंने कई घटनाएं ये भी देखी थी, नवजात शिशु को भी डाला जाता था उसमें, तो किस तरीके से हम एक गंदगी का वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोका जाए, मैंने अपनी पिटीशन में अपील करी थी। और दूसरी चीज़, मैंने अतिक्रमण जितने भी लोगों के वहाँ करीब 40 और समथिंग कुछ हाउसेस बने हुए हैं उनको डिमोनिश किया जाए, जहाँ क्योंकि वो सारा कैप्चर किए हुए हैं, वो सारे तालाब की ज़मीन पर बना हुआ है पर उस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें आरएसएस का कार्यालय भी शामिल है और एक पूर्व सांसद भी, उनका घर भी उसमें शामिल है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से अपनी काम नहीं कर पा रहा है इनके दबाव के चलते। और मैंने फिर से मैं इसको रिव्यू करूंगी कि मैं चाहूंगी कि ये सारी चीज़ें हटें और तालाब की अपनी एक जो सागर की पहचान थी, जब आप गूगल में भी आप सर्च करते हैं, जब आप सागर डालेंगे तो जो कुछ पिक्स हाईलाइट होती हैं वो एक फ़ोटो होती है तालाब की, तो एक तरीके से ये उसकी पहचान है, तो आप सागर की पहचान को इस तरीके से नष्ट ना करें। इसी सिलसिले में था। और मैं आम लोगों से भी कहना चाहूँगी, जितना भी वो नियर बाय रह रहे हैं उसमें वेस्ट ना डालें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ कोर्ट कचहरी हर जगह, पर आप तब तक नहीं जीतेंगे जब तक आप अपनी लड़ाई खुद भी ना लड़ेंगे। तो डॉक्टर जया ठाकुर जी का अगला कदम क्या होगा तालाब को लेकर, अतिक्रमण को लेकर? जी, मैं कोशिश करूंगी कि हटे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि तालाब में और जो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर, जो उसको पार्टीशन कर दिया गया वो भी कहीं ना कहीं उसे खराब ही कर रहा है। मैं चाहूंगी कि सब चीज़ों पर रुके और तालाब को एज अ तालाब मेंटेन हो, स्वच्छ पानी भरे और कमल खिले। मैं ये आशा करती हूँ कि ऐसा मैं कर पाऊँ और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी हमारे साथ आएँ और उसे मेंटेन करने में हमारी मदद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूँगी, डॉक्टर जया ठाकुर जी हैं, सागर आई हुई थी, आज एक बड़ा यहाँ पर सभा हुई थी सागर के कजरीवन मैदान में, काफ़ी सारे लोग उसमें आए हुए थे, डॉक्टर जया ठाकुर ने भी उसमें शिरकत की है और कई सारे सवालों का जवाब उन्होंने सागर टीवी न्यूज़ से मुखातिब होते हुए दिया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।